अरे कहाँ गया ये? अपने से और सभी लोगों से आग्रह है कि जोरदार ताली से विदाई का स्वागत करें और इस समय माननीय बिहार प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा तालाब का शिलान्यास किया गया है। किसानों को लाभ मिलेगा, उसी को देखते हुए मेरे पिताजी फुरकान साहब ने मुझे आग्रह किया था कि हर हाल में इसको तुम कराओ, तो निश्चित आज वो दिन आ गया है, वो शुभ दिन आ गया है। आज इस तालाब का मैं शिलान्यास कर दिया हूं और हमें लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर पशुवासियों को मिलेगा। दूसरी बात, मैं ये भी आपको घोषणा कर दे रहा हूँ, पशु तालाब में हमने निर्णय लिया कि जब इतना तालाब, इतना बड़ा तालाब अगर इरफान सरी बना रहा है तो एक छठ घाट भी इरफान सरी अपने ला सके। ये छठ माँ के प्रति इरफान सरी की गहरी श्रद्धा है और आज मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ कि छठ मैया का आशीर्वाद हमारे तमाम जामताड़ा वासियों को लगे और साथ ही साथ इरफान अंसारी को तो लग ही रहा है माँ का आशीर्वाद। तमाम माताएं देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे विरोधी लड़ देख लीजिए, हवा पानी मत दीजिए, जो जमीन के साथ, जो लोगों के साथ 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 लेके चलेगा, कदम से कदम मिला के चलेगा, जनता उन्हीं के साथ देगी। आज देख लीजिए कितनी माताएं बहने एक शिलान्यास में, अगर इतनी माता बहने आती है तो ये इस बात का सूचक है कि जनता जो है इरफान अंसारी के साथ है, फुरकान अंसारी के साथ है। हम आपके साथ है, कोई भेदभाव नहीं मेरे अंदर, एकदम याद रखिएगा, कोई मुसीबत में होता है सबसे पहले इरफान अंसारी को आप वहां पे पाइएगा। आज आप देख लीजिए वहाँ बिजलिया में एक हादसा हुआ, वहाँ मुस्लिम भी मरा, दलित भी मरा, आदिवासी भी मर गया, डूब के इरफान अंसारी आ गया है। सबसे पहले हमने उनको मदद करने का काम किया, आर्थिक सहायता भी मैंने दिलाया, ये चर्चा का विषय भी है। तो आप सबको मैं कहूँगा जो प्यार और सम्मान आप लोग दे रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज जामताड़ा वासी को विकास देखने को मिल रहा है। और मैं कह देना चाहता हूँ आप सबको, इरफान अंसारी भाजपा वाले को कहना चाहता हूँ जो जात पात में बने हैं, आइए जामताड़ा और देखिए, यहाँ कोई भेदभाव कोई जात पात नहीं, यहाँ सबको लेके चलने वाला इरफान अंसारी है, यही आगे खूबसूरती है। चलिए आप सबका उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है, तलवार का मुकाबला पाइप से, अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।